आप सब अच्छे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। आज हम गोभी गोश्त बना रहे हैं। देखें, मैंने मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, प्याज लिए और 1 किलो गोश्त लिया है मटन का। एक पतीली में मैं ऑयल डाला है, मैंने 1 कप भर के मेथी दाना डाला है। मेथी दाने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ा लेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बड़े साइज के प्याज है, मोटी मोटी काट ली मैंने। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, गोश्त में गल जाएगी। सर्दियों की बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। इसको आप बाजरे की रोटी के साथ खाएं, मक्का की रोटी के साथ खाएं, बेसन की रोटी के साथ, चावल के साथ खाएं, हर चीज़ से बहुत ही अच्छी लगती है ये। गोश्त ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, मैंने पुट का गोश्त लिया है 1 किलो। इसको हम थोड़ा सा तलेंगे। गलाने के बाद क्या आप सब्जी डाल के और टमाटर डाल के जब भूनेंगे और सब्जी पकाएंगे तो फिर उसके साथ गोश्त हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं सब्जी भी गलने में, तो इतनी कसर ज़रूर रखा करें, वरना मटन तो ख़ास तौर से टूटने लगता है, तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। आलू ऐड किए मैंने इसके अंदर। अब ये देखिए गोभी के फूल मैंने इसको जो काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, तल लेंगे, ताकि सारी जितनी भी गोभी की सब्जी है उसके अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे तो चावल से ही बेल देखा पसंद है ये। पानी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इतना पानी डालेंगे ये बस गलने के ऊपर, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं, भूनेंगे नहीं, वरना सब्जी सारी टूट जाती है। Awesome.
बहुत मजे का सर गोभी गोश्त बनके तैयार है। इसको आप गोभी नान पराठे जिसके साथ चाहें सर्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।